जी तो मैं अकेला भी लूं, पर वो जिंदगी तेरे बिना अधूरी होगी। लड़ेंगे हर वो लड़ाई जो तुझे पाने को जरूरी होगी। पिछले एपिसोड में आपने देखा, मैं दूध लेने जाता हूँ जहाँ मुझे ज्योति मिलती है। पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो जाता है। मैं उससे दोबारा मिलने की जगह पूछता हूँ। वो मुझे ट्यूबल पे आने के लिए कहती है। इसी बीच कुछ लड़के मुझे ज्योति से ना मिलने की धमकी देते हैं। अब आगे रोटी खा ले, सारे दिन फोन में बड़ा रहा। मैं इतना घी कि मैं तेरी देही में लाग जागा। ठीक है, माते ही में क्या खराबी है? रहन दे, तेरे कुल्ला में तो पैंट लिकट लिकट बाजे जाए। आके दुनिया के बड़का ने देख खाका का सांड पल रही है। फिर मन्ना के उन सांडा तो कुश्ती लड़नी है। ये बेरा कुश्ती भी लड़नी पड़ जा, टाइम का बेटा कुछ नहीं बेरा होता। हले चुपचाप। किसी ने सच ही कहा है, माँ को आने वाले हर खतरे का अंदाजा पहले ही हो जाता है। उस दिन मैं ज्योति का ट्यूबल पर इंतजार कर रहा था। कुछ ना, सतूत खाऊं था। खाओगे जी? ना बस खा तू। वैसे काफी लेट आते हो जी, आप भी इवनिंग वॉक पे है ना? आज वार होगी ना तो रोज तावली आया करू। वे घर के नुका ब्याह कर ले, ब्याह कर ले तो देखने वाले आ रहे थे। ब्याह? अभी तो आप काफी यंग हो जी। ब्याह यंगा के होया करे और बुढ़िया के होया करे। ना सही बात है जी, करेक्ट है, कति करेक्ट है। और मेरे भी फाइनल ईयर के पेपर खत्म हो जाएंगे, तो मैंने सोच रहा था छुट्टी पड़ेंगे और कोई काम तो है ना, तो ब्याह वगैरह की सोच रहा था मैं भी। देख रखी को छोरी। देखने लग रहा हूँ तू तो गणा नोची है। ना जी, ऐसी बात मत करो, मैंने घनी शर्म आवे कतीनू पूरे शरीर में कतीनू कचकची सी मच है जी। छोड़ो इन बातों ने। वैसे जब आप कल चले गए थे ना जी, दो तीन पहलवान से आ गए और मन धमकी देने लग रहे थे, अगी छोरी गैल दिख गया ना तो ना काट देंगे। वो के जी गण तीन सितारे हैं। हाँ हाँ, वो है छोरा, जानो आप उसने? वो दो महीने तक मेरे पीछे पड़ रहा है। अच्छा, बता दियो, जरूरत होता है। साला नैडा मुर्गा बनाकर कतीनू सॉरी बुलवाऊंगा। ना रहन दे, वे बदमाश है, उनके चक्कर मत पड़े तू। ना ना नू कम मत लगाइयो, विश्वास ना तने? विश्वास तो पूरा है। ये आ गई, ये तो थे। रुक तू, मैं देखूंगी डेढ़ के बीच जाना। गट जा, घड़ी बोन मत बने, रुक जा, रुक जा। अरे तू समझा था ना उस दिन भी प्यार था, जब तक तेरी दो तीन हड्डी ना टूट ले तेरा बात समझ में नहीं आवे। के प्रॉब्लम है भाई थारी? के खुजा दिन है। रहन दे भाई, रहन दे, मिट जा। एक मिनट तू, तुम के पांच पांच जने आ गए एंडी पा करियो हैं? इसे मर्द के बच्चे हो ना, अकेले माओ, अकेला है बतेरा टिंकू। क्यों टिंकू? हाँ एक एक कर का आओ। इस काकड़ी पहलवान ताई तो मैं एकला ही बहुत सूं, करवा ले कुश्ती। क्यों हो जा कुश्ती? एक मिनट भाई, एक मिनट टाइम, पुलिस दो मिनट में आया। की करवा रही यार तू? क्या हो गया? नवरात्रे चल रहे हैं, मेरी माँ ने कह रहा कि नवरात्र हम किसे इतना लड़ा करे। लड़ाई थोड़ी ना से, कुश्ती से। कुश्ती है पर तन पे रही मेरे में कितना अंगा से, कि कोई से हड्डी वड्डी टूट की बालक है के जवाब दूंगा मैं माता रानी से। तू भी तो ठीक का से, चल तो फिर आजा। सुने आज तक ठीक 10 दिन बाद अड़ कुश्ती होगी, देख लेंगे किसमें कितना दम से। अरे यो जीत गया ना तो मेरे पिछाना छोड़ दिए। अब मैं जीत गया था फिर मैं ही ना छोड़ दूंगी। ठीक है डन, चलो रे कर लो तैयारी। अरे भैंस कौन से की प्यारी है? हमारी प्यारी है, चलो जरा। क्या हो गया? छोड़ देगी तुमने? तुमने क्यों छोड़ दूंगी, तू तो जीतेगा। तुमने नहीं कही तेरे में कितना अंगा से। अंगा तो पूरा से, उसमें कोई डाउट से। दस्ते बेरे साल तन गंडे का जूस पिया के ले आऊं, मेरा मत पिए दस्ता लग जाए। जब जब सच्चे प्यार पर कोई मुसीबत आती है तो भगवान मदद के लिए कोई न कोई फरिश्ता भेज देता है। ये है मेरा दोस्त मकोड़ा। इसके पास दिमाग की, पैसे की, हर चीज की कमी हो सकती है पर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। अरे टिंकू क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई मकोड़े, तू सुना यहाँ का हंड रहा है? छिड़े पानी में कदम जी सा आ गया। और क्यों पर दुखी हो रहा है तू?
यार बेराना कौन है जोरावर सूर सी सगल का। अच्छा। तीन तीन पहलवान ले आओ यार, दो बार धमकी दे गया मेरे ते। अच्छा यार इसकी बहन की टैट रखूं सामने बता, बीच में तक काट दूं साला ने। काट के पहलवान दो दो क्विंटल के तरह चूरमा बना देंगे। आगे की कमीना है वो क्या करे ने, दिखन में छोटन लगे गाँव करे गंभीर। कहन दो 400 डंड मार दूं तू। हां भाई तू 15 मार दे तना मान जा, तेरी कसम दो दर्जन केले खुआऊंगा सान। अरे 15 ले 20 मारूंगा देख, तू 5 फालतू, एक केला फालतू लूंगा देख। एक साले नकली बस की तेरे है नहीं बात ही कितनी खुद वाले तेरे। मेरी माँ ने कही लड़ाई लुड़िया में क्या मना धरया, अरे आज कांधे में भी दर्द है यार। किस तरह संभालेंगे इस मैटर ने, वे तो कुश्ती धर गए 10 दिन बाद की कुश्ती। अरे मैं एक मानस ने जानू तेरी मदद कर सके है। क्या नाम है? स्वीटी पहलवान। रहन दे यार जी का नाम में स्वीटी हो गया, वो के मदद करेगा? अरे वो नाम नाम का स्वीटी है, कति जहरीला बालक है। के बात कर रहा है? 16 का नुडोला। अच्छा अनु 46 की छाती। अरे रहन दे मोदी भी 56 ले रहा है। अरे अरे 6 आगे करना था 4-5 64 की छाती। अच्छा रे। हाँ फिर यार ले चल मैंने उससे मिलवा देने। यार मिलवा देंगे मिलवा देंगे। नु तो बता बात की होगी? अरे वो ज्योति नहीं है, ज्योति राणा वो लंगड़े पहलवान की छोरी। अच्छा उसने तेरी भाभी बना देंगे। ज्योति का नाम सुनकर मकोड़ा हिचकिचाया तो था, पर उस वक्त बात मेरे समझ में नहीं आई। अगले दिन हम स्वीटी पहलवान से मिलने गए। हर पहलवान की तरह स्वीटी पहलवान की भी एक कमजोरी थी, इंग्लिश। भाई राम 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 भाई राम राम। यो टिंकू है। अच्छा मेरा चार गलवा दू इसका। अंग्रेजी को उतारे। अच्छा रहे तू तो काम काज भी लिया है भाई। क्या ले भाई साहब? बहुत बढ़िया, भगवान का दिया और कति सब कुछ है भाई, बस इस अंग्रेजी में हाथ कमजोर है। अरे भाई साहब कोई टेंशन है नहीं, 10 दिन में अपनी इतनी बड़ी अंग्रेजी सिखा दूंगा, साउथ एक्स की छोरी आपने सीधा बेबी बेबी कह बुलाऊंगी। और बोलो। अच्छा रहे भाई साहब, एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे। बता भाई क्या हेल्प चाहिए? एक रोड़ा हो गया भाई, 10 दिन पाछे कुश्ती धरी गई, अगर आप थोड़ी सी कुश्ती सिखा देते ना तो घनी हेल्प हो जाती। 10 दिन में कती तो मैं सुल्तान बना दूं। अरे पूरा भरोसा सिटी भाई पे। सही बता। और के वैसे रोड़ा क्या हो गया था? छोरी का रोड़ा है भाई, मैं एक छोरी से प्यार करूँ हूँ। वो भी करे तेरे प्यार? और कती करे भाई, यार आप कहते हो तो आप तो मिलवा दू। मैं मिलवाने की जरूरत है? मिलवा के सुल्तान बन तू। चल आज तेरी ट्रेनिंग शुरू है, काट लेते आजा खड़े में। और खींच थोड़ा। अरे जोर लगा इसमें भाई, बस और जोर ना लगता यार। लगा हुआ? अरे ओ बेबे रोटी ले आ, भूख लग रही है। अब समझ आया मकोड़ा ज्योति को स्वीटी पहलवान से क्यों नहीं मिलने दे रहा था। एक पुरानी कहावत है, जब किस्मत में लिखे हों डैश तो कैसे मिले पकोड़े। खैर अब कहानी थोड़ी उलझ गई है, इसे सुलझाने के लिए अगले एपिसोड तक इंतजार करना होगा। तो चलिए दोबारा मिलेंगे तीसरे एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। हाय गाइस, तो ये था सेकंड एपिसोड देसी प्रेम कहानी का। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो भाई साहब, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा, ताकि हम जल्द से जल्द तीसरा एपिसोड लेके आए। ये लगाऊंगा। अरे हो, ये काम है।